सुप्रभात बच्चों, आज हम पार्ट 13 का सारांश आपको मैं बताती हूँ। उसका अर्थ पार्ट 13 का नाम है मिर्च का मजा। ठीक है, तो चलिए आप भी अपनी पुस्तक खोलिए, पार्ट 13 निकालिए और मेरे साथ उस पार्ट को पढ़ो। ओके। एक काबुली वाले की कहते हैं लोग कहानी, लाल मिर्च को देख गया भर उसके मुंह में पानी। मतलब एक काबुली वाला था, कोई दूसरे शहर या दूसरे प्रांत से आया होगा, तो उसने वो उसको मिर्ची को वो क्या समझ रहा था, एक फल समझ रहा था, क्योंकि वो नहीं जानता था कि ये तेज मिर्ची है। सोच क्या अच्छे दाने हैं, खाने से बल होगा, यह जरूर इस मौसम का कोई मीठा फल होगा। उसे लगा कि लाल मिर्च किसी मौसम का एक मीठा फल है जिसको खाने से मुझे ताकत मिलेगी और मुझे बल आएगा। एक चवन्नी फेंक और झोली अपनी फैलाकर कुंजड़ियों से बोला बेचारा जो तो कुछ समझा कर। कुंजड़ी मतलब वो जो मिर्ची बेच रही थी, उसको एक चवन्नी मीन्स होता है एक रुपये का चौथा हिस्सा। तो बोला एक चवन्नी में उसने जो तो उससे मिर्ची की मांग की। लाल लाल पतली छीमी हो चीज अगर खाने की, तो हमको दो तोल छीमियाँ फकत चार आने की। फकत मतलब चौरासी, चार आने की उसने मिर्ची खरीदी। हाँ यह तो सब खाते हैं, कुंजड़िन झट से बोली और शेर भर लाल मिर्च से भर दी उसकी झोली। कुंजड़िन को भी नहीं पता था कि वो मिर्ची को फल समझ रहा है, और तो उसने उसको एक किलो मतलब चार आने की एक किलो मिर्ची भर के उसकी झोली में दे दी। मगर हुआ काबुली फली का सौदा सस्ता पाके, लगा चबाने मिर्च बैठकर नदी किनारे जाके। फिर उसने उस एक किलो मिर्ची को ले लिया और नदी किनारे जाकर बैठ गया और मिर्ची को खाने लगा। ठीक है, फिर अगले पेज पर। मगर मिर्च ने तुरंत जीभ पर अपना जोर दिखाया, मुंह सारा जल उठा और आंखों में जल भर आया। आपको भी पता है कि जब हम बहुत तेज़ मिर्ची खाते हैं तो हमारी आँखों से आंसू आते हैं, नाक से पानी निकलता है, और मिर्ची बहुत तेज़ होती है, तो उसे भी मिर्ची तेज लगी। लेकिन उसे तो क्या लगा कि ये फल है, वो तो खा रहा था, आंखों से आंसू निकल रहे पर वो खाए जा रहा था। पर काबुली का दर्द लाल छीमी से क्यों मुख मोड़े, खर्च हुआ जिस पर उसको भी क्यों बिना अधाए छोड़े। वो मिर्ची को इतनी चरकी होने के बाद भी छोड़ नहीं रहा था, क्योंकि उसने उस पर उसका पैसा खर्च किया था, उसका पैसा वसूल करना चाह रहा था, इसलिए वो मिर्ची को खाते जा रहा था। आँख पोंछते, दांत पीसते, रोते और सिसियाते, वह खाता ही रहा मिर्च की चीमी को रिसियाते। मतलब वह आँखों के आंसू भी पोंछ रहा था, दांत कटकटा रहा था रोते हुए, सब मतलब इतनी परेशानियों के बाद भी वो मिर्ची को खाते जा रहा था। इतने में आ गया उधर से कोई एक सिपाही, बोला बेवकूफ़ क्या खाकर यूँ कर रहा तबाही, कहाँ काबुली ने मैं हूँ आदमी ना ऐसा वैसा, जहाँ तू अपनी राह सिपाही में खाता हूँ पैसा। मतलब उसको सिपाही ने बोला कि तुम ये लाल मिर्ची खा के इतना परेशान हो रहे हो, तो क्यों अपने शरीर की तबाही कर रहे हो। लेकिन उस आदमी ने क्या बोल दिया सिपाही को कि तुम जाके अपना काम करो, मैं मेरे पैसे से खरीद के लाओ और मैं इसे खाऊँगा। ठीक है, तो इस पाठ से संबंधित मैं आपको प्रश्न उत्तर और शब्दार्थ दे रही हूँ, जो आप अपनी फेयर कॉपी में करना है। ठीक है बेटा, धन्यवाद।